हेलो वेलकम दोस्तों, मैं हूं किशोर, आप देख रहे हो रात है बीट्स। और आज के इस वीडियो में हम आपसे बात करने वाले सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा वर्सेस वीवो X80। तो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले इसका कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर, बहुत सारे फोटोज और वीडियोस मैंने क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम आप तक पहुँचाते रहे। तो आइए चलिए देखते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास Vivo X80 और Samsung Galaxy S22 Ultra। तो गाइस, बात करें अपने Samsung Galaxy S22 Ultra की, तो यहाँ पे आपको क्वाड रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 108 मेगापिक्सल का, प्लस 12 मेगापिक्सल, प्लस 10 मेगापिक्सल, प्लस 10 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं अपने Vivo X80 की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का, प्लस 12 मेगापिक्सल, प्लस 12 मेगापिक्सल। और दोस्तों, बात करते हैं अपने दोनों ही फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Samsung Galaxy S22 Ultra के अंदर 40 मेगापिक्सल का एक सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस, बात करते हैं Vivo X80 की, तो यहाँ पे आपको एक 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस, जैसे इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सभी फीचर्स को यूज करते हुए इसे मैंने काफी सारे फोटोज और वीडियोस क्लिक किए जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनल इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, और आपको इन दोनों से कौन सा फोन जो परचेस करना चाहिए, सब कुछ मैं आपको लास्ट में बताने वाला हूं। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज एंड वीडियो सैंपल। अगर आप नाइट में फोटोग्राफी करते हो, यानी कि सेल्फी कैमरा रात को यूज़ करते हो, तो कुछ इस तरीके का रिजल्ट देखने को मिल जाता है। ये मैंने रूम के अंदर क्लिक किया था, और गाइस, रूम की सारी लाइट्स ऑफ करते हुए, इसी दोनों फोन की फ्लैश लाइट को ऑन करते हुए ये फोटोज क्लिक किए। तो आपको इनमें से कौन सा कैमरा क्वालिटी बेटर लग रही है, कमेंट्स में ना जरूर से बताना। दोस्तों, ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने, इसी Samsung Galaxy S22 Ultra और इसी Vivo X80 के फ्रंट कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किया है। यानी कि इन दोनों में से किसी एक फोन से आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हो, तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो गाइज, आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और गाइज, दोनों ही फोन के अंदर आप जो बुके इफेक्ट वाला वीडियो शूट कर पाओगे, यानी कि DSLR जैसा वीडियो इसके अंदर आप जो शूट कर पाओगे। अभी जो आपने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी Samsung Galaxy S22 Ultra और इसी Vivo X80 के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइज, आपको इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा।
और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली सैमसंग गैलेक्सी एस 22 अल्ट्रा का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। हो सकता है आप में से किसी को वीवो का भी कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी, क्योंकि उसका कैमरा क्वालिटी भी कुछ इतनी बुरी नहीं है, बट मुझे पर्सनली सैमसंग का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। तो आपको इन दोनों में से कोई भी एक फ़ोन परचेस करना है तो आप इन दोनों में से कोई भी एक फ़ोन जो परचेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे दोनों ही फ़ोन का कैमरा क्वालिटी अच्छी ही है। तो आई होप यू गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।